आज मैं आप सभी को किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ के बारे में बताने जा रहा हूँ। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या होता है, ठीक है? तो ये लॉ हम लोग कहाँ पे अप्लीकेबल करते हैं, कहाँ पे इसका एप्लीकेशन यूज करते हैं? तो दिस लॉ इज ऑलवेज यूज इन द क्लोज सर्किट कंडीशन। ये ऑलवेज हम लोग कहाँ पे अप्लाई करते हैं, क्लोज सर्किट कंडीशन में अप्लाई करते हैं, ठीक है? तो पहले ये जानेंगे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ है क्या, इसने स्टेटमेंट क्या दिया। तो इसमें ऑलवेज हम लोग वोल्टेज का इक्वेशन लिखते हैं। किस चीज़ का इक्वेशन लिखते हैं? वोल्टेज का इक्वेशन लिखा जाता है। जैसे किरचॉफ्स करंट लॉ में हम लोग क्या लिखते थे, ओनली करंट का इक्वेशन लिखते थे। यहाँ पे क्या लिखे हैं, ओनली वोल्टेज का इक्वेशन लिखेंगे। ओके, तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ में क्या होगा कि इसने स्टेटमेंट क्या दिया था, इसने स्टेटमेंट यही था कि इसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं द अलजेब्रिक सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस एंड द सम ऑफ ईएमएफ सोर्स इज इक्वल टू जीरो। तो दिस इज अ स्टेटमेंट। तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से हम लोग इसका स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं आसानी से, ठीक है? तो दिस इज द मेन यहाँ पे टर्म, द अलजेब्रिक सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस एंड द सम ऑफ ईएमएफ सोर्स इज इक्वल टू जीरो। ओके, तो इस स्टेटमेंट को हम लोग लिख सकते हैं आसानी से, द अलजेब्रिक सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस एंड द सम ऑफ ईएमएफ सोर्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक है? तो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ओके, तो इन दिस केस यहाँ पे देखिए, ये जो लॉ है एप्लीकेबल कहाँ है, दिस लॉ इज ऑलवेज यूज्ड इन क्लोज सर्किट कंडीशन। ये कहाँ पर अप्लाई करते हैं, क्लोज सर्किट कंडीशन में ही अप्लाई करते हैं हम लोग ऑलवेज, ठीक है? तो इट इज ऑलवेज यूज्ड इन क्लोज सर्किट कंडीशन। ओके, एंड आफ्टर दैट इसको हम लोग इम्प्लीमेंट तो करते ही हैं, और इसका इक्वेशन कैसे फॉर्म करेंगे, तो एक एग्जांपल लेते हैं, एक सर्किट लेते हैं क्लोज सर्किट। तो क्लोज सर्किट में एक एग्जांपल क्या ले रहा हूँ, एक यहाँ मान लीजिए एक बैटरी सोर्स होता है, ईएमएफ सोर्स E1 एंड इट इज़ कनेक्टेड विद द रेजिस्टेंस R1 एंड अनदर रेजिस्टेंस R2, ठीक है? तो R1 R2 या तो सीरीज में कनेक्टेड है। ओके, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका एजम्पशन क्लियर करेंगे। सपोज दैट करंट जो फ्लो हो रहा है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। तो जब करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो इसका पोलैरिटी पहले इंडिकेट कर दीजिए, निगेटिव पॉजिटिव। ये क्या होगा प्लस, ये क्या होगा माइनस, ये क्या होगा प्लस, ये होगा माइनस, क्योंकि करंट के डायरेक्शन पर डिपेंड करता है रेजिस्टेंस का क्या पोलैरिटी लेंगे, ठीक है? अब एजम्पशन यहाँ मानने वाली बात क्या है, एजम्पशन एक टर्म हम लोग सपोज करते हैं, अगर प्लस से माइनस को कंसिडर कर रहे हैं तो जो लास्ट वाला पोलैरिटी है उसको हम लेते हैं माइनस, माइनस से प्लस इसको हम प्लस ले रहे हैं। आप कुछ भी मान सकते हो, चेंज भी कर सकते हो उसको, ठीक है? आफ्टर दैट इसका इक्वेशन मैं क्या लिखूंगा, यहाँ इक्वेशन क्या होगा, तो देखिए नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, मतलब इक्वेशन क्या होगा, E1 क्यों होगा प्लस, क्योंकि नेगेटिव से प्लस जा रहा है, फिर प्लस से माइनस को माइनस लिखूंगा। अब यहाँ जो करंट फ्लो हो रहा है वो कितना करंट फ्लो हो रहा है, आई करंट फ्लो हो रहा है, और रेजिस्टेंस कितना है, R1 है। ओके, एंड आफ्टर दैट प्लस से माइनस फिर जा रहा है तो माइनस, और यहाँ का ड्रॉप जो हो रहा है वोल्टेज ड्रॉप वो क्या होगा, करंट इंटू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कितना है R2 है, इक्वल टू क्या लिखूंगा, जीरो लिखूंगा, ठीक है? तो ये आपका इक्वेशन फॉर्म हुआ। तो ये जो इक्वेशन है ये आपका ऑलवेज वोल्टेज के फॉर्म में है, मतलब ये भी वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, यहाँ भी वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। तो मैंने शुरू में ही बोल दिया KVL मतलब वोल्टेज, ये ऑलवेज वोल्टेज का इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है, मतलब इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज होना चाहिए, ठीक है? तो ऑलवेज वोल्टेज। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर SSC JEE की बात करें या कोई भी PSU वगैरह, पावर ग्रिड हुआ, NGC हुआ, NTPC हुआ, अगर वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं तो एक इंपॉर्टेंट टर्म निकलता है यहाँ। तो एक तो ये निकला कि ये कहाँ यूज होता है, अप्लीकेबल है, तो दिस इज यूज इन क्लोज सर्किट कंडीशन। दूसरा पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या निकल रहा है, ये जैसे KCL में कंजर्वेशन ऑफ चार्ज वहाँ होता था, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये इंडिकेट कर रहा है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को, क्या यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हो रहा है, ठीक है? इस जगह पे क्या हो रहा है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी देखने को मिल रहा है, ठीक है? तो दैट इज द मेन कॉन्सेप्ट हियर, दिस इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड दिस इज ऑलवेज यूज्ड इन क्लोज सर्किट कंडीशन। तो दैट इज द किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लॉ, इट इज ऑलवेज यूज इन द सर्किट थ्योरी पेपर, बहुत जगह इसका यूटिलाइजेशन है, ठीक है? ओके, okay?